दोस्तों चने बनकर रेडी हैं। मैंने मम्मी एक किलो अमरूद लाई और इमली लाई और खट्टी वाली आई हूँ कोट मुझे लेने तो नहीं गई थी। भैया कम नहीं करोगे? 300 रुपए फिक्स रेट है। 6 किलो बताओ भैया कितना है? ये देखो भैया ने कितने अच्छे से अमरूद को सजा के रखा है। और यहाँ पर है गुड़, मैं भी ले रही हूँ और यहाँ से करवा रही हूँ मोमो पैक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सगुन फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी टाइम है सुबह का और मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल और मैंने काम कर लिया सुबह का और आज भी मैंने जाना है कहीं, तो आपको भी दिखाती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम दोनों हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं और क्या क्या लेगा फिर वो तो आगे पता चलेगा हम क्या क्या लेंगे। अच्छा, देखते हैं फिर आज क्या क्या शॉपिंग करता है भाई। ऑटो के इंतजार में हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ऑटो से मार्केट में। अभी हम पहुंच गए हैं मंगल पड़ाव में और जा रहे हैं पैदल पैदल। तो सबसे पहले मुझे दिखी कॉस्मेटिक की दुकान, तो यहीं पे आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे बीट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए कितने अच्छे हैं। और इयर रिंग्स भी अच्छी हैं और देख रही हूँ सामान अभी कुछ पसंद आता है तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ कॉस्मेटिक की दुकान में, मेरे साथ घूमते रहिए आप भी। और यहाँ पर चूड़ियाँ देखिए, मैं चूड़ियाँ दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी अच्छी प्यारी चूड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी चूड़ियाँ आई हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद हम निकल गए हैं आगे को। और देखिए यहाँ पे लहंगा अच्छा लग रहा है, निकलते हैं आगे को, देखते हैं क्या मिलता है, अब क्या अच्छा लगता है। अभी हम आ गए हैं मटर गली में, यहाँ पर बॉयज़ के लिए कपड़े मिलते हैं अच्छे अच्छे, देखते हैं यहाँ भी पसंद आता है तो। अभी हम आ गए हैं ब्लेजर की दुकान में और भाई भी अपने लिए देख रहा है, देखते हैं पसंद आता है तो। और यहाँ पर लगी है देखिए गरम शर्ट। तो ये शॉप पहले भी मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर ना चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं बहुत कम रेट में, और जगह पे तो 80 रुपये दर्जन है पर यहाँ पर 50 रुपये दर्जन में हमको साड़ी के साथ की मैचिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिल जाती हैं। आप लोग भी जरूरी शॉप में आना, देने को तो शाम को भी दे जाएगा रात को। यहाँ पर आए हैं विंसिटर और मुझे अच्छे लगे तो मैंने इनकी भी वीडियो ले ली है, आप लोग भी देख लीजिए। तो आप है ना, गरम बहुत हो रहा है। मैंने भी अपने लिए लिया है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। भैया बता रहे हैं खुद ही अच्छी अच्छी आई है, देख लो एक से एक पैटर्न आया। भैया कम नहीं करोगे? 300 रुपए फिक्स रेट है, ये मीडियम ढाई लगा लेना। सेल में लगा डालोगे क्या? हां मेरे भी ले लो, मैं भी आ जाऊंगा। लो जी, ये है हल्द्वानी की सदर बाज़ार जहाँ पे पूजा का सामान और शादी का सामान मिलता है। और हम लोग भी चलते रह रहे हैं आगे को। और यहाँ पर है गुड़, मैं भी ले रही हूँ और भीड़ बहुत है भैया के वहाँ पे, हम हमेशा गुड़ यहीं से लेते हैं। 1 किलो कर देना भैया।100 रुपए 100 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 रुपए 100
पेड़ से तोड़ के खाते थे और यहाँ पे हम खरीद के खाते हैं। कैसे दे भैया?
ये देखो भैया ने कितने अच्छे से अमरूद को सजा के रखा है। थोड़ा खाना भी हो, इसकी तारीफ भी कर दो, खाना भी हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैंने ले लिए हैं 1 किलो अमरूद। अभी हम चलते चलते पहुंच गए हैं कुलदीप फास्ट फूड पे और यहाँ से करवा रही हूँ मोमो पैक जो हम घर जाके ही खाएंगे। अभी हम बैठे हैं मैजिक में और जा रहे हैं घर को। अब हम पहुंचने वाले हैं घर और आप लोग वीडियो में बने रहे हमारे साथ। आ गई है तो भी है। ये मामा भी है। बाय। तो हम घर पहुंच के लगा दिए हैं हमने प्लेटों में मोमोज। अब भाई खाते हैं, शुरू करो भाई, कुपिंग खा लो। आजा प्रियांश, ये देखिए कुलदीप के मोमो। अगर आप लोगों ने नहीं खाए ना कभी, खा के देखना, बहुत अच्छे होते हैं। तो मोमोज खाने के बाद थोड़े से बना लेते हैं चने। मैं सुबह चने भी खा के गई थी और बच्चों को भी जुखाम हो रहा था तो दाल चावल तो नहीं बना रही हूँ। अब मैं थोड़े से चने बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर पे और हमने मोमोज भी खा लिए हैं और अभी बन रहे चने। तब तक मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। और शॉपिंग हमारी हो गई है पूरी। क्या पूछूँ? अच्छा ये बता कि प्रियांश आपके लिए मम्मा क्या लाई? मेरे मम्मी 1 किलो अमरूद लाई और इमली लाई और खट्टी वाली। हाँ वो तो मैं सब उनके लिए लाई हूँ, सब उनको पसंद है। मुझे पसंद है। अच्छा आपको भी दोनों खा लेना। खम गई मैं। और दोस्तों आज मैं अपने लिए लेकर आई हूँ कोट, मुझे लेने तो नहीं गई थी। तो आप भी तो खाओगे? और मम्मी से वो बड़ी वाली चॉकलेट आइसक्रीम होती। तो आइसक्रीम नहीं खाते हैं आजकल? वो मंगाई थी तो मम्मी ने लाई नहीं। आइसक्रीम नहीं खाते बेटा आजकल? नहीं वो आइसक्रीम नहीं थी। हाँ वो चॉकलेट थी वो ना। बस उसमें चॉकलेट डरी होती है। वो पापा से मंगाना आप, ठीक है? मैं जो लाने वाली थी ला गई ना आपके लिए। ठीक है मोमो लाई थी आपको? तो मोमो खिलाई ना मैंने और मैं आज लेके आई हूँ कोट और पहन के दिखाती हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों मैं आज अपने लिए लेके आई हूँ ये कोट, मुझे पसंद आया। कैसा लग रहा है? अपना बढ़िया लग रहा। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है। और मुझे भी अच्छा लग रहा था इसलिए लेके आई मैं। दोस्तों चने बनकर रेडी हैं और इसमें मैंने एक तो चटनी डाली है लहसुन और हरे धनिए की बनाई थी हमने कल, और मैंने थोड़ा सा प्याज काट करके डाल रखा है। बिल्कुल तो चटपटा बना दिया है मैंने इसको। अब हम तीनों खाते हैं, चलो। तो हम खाने लग गए हैं। सुनो कैसे हो रहे हैं? तो दोस्तों आज का हमारा दिन का लंच थोड़े से मोमो और चटपटे चने से हो गया है। तो गाइस आज का जो लंच था वो बहुत ही अच्छा था और यूनिक था। मैं आपको बताती हूँ क्यों यूनिक था, क्योंकि डेली जो मम्मा लंच बनाई थी उसमें सिर्फ हम राइस और पल्सेस और सैलेड खाते थे, बट आज के लंच में हमने खाए मोमोज और चटपटे चने और मुझे तो खा के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। आपको भी क्या मोमो अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और क्योंकि हमारी वीडियोस को हमें बनाने में मेहनत लगती है और आप सभी का प्यार लगता है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।